आई होप कि एसएपी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पढ़ने का अच्छे से कवर करेगा। इनमें मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ आप वो बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुन के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को मिस ना करिए, एंड तक पूरा अच्छे से कम्प्लीट करिएगा। एंड ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम के नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो इसे ज़रूर कवर करके जाइए। एंड एग्जाम के पहले इस पेपर को पूरे अच्छे से कम्प्लीटली सॉल्व करके जाइए। एंड जैसे कि हमारे से पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड फैक्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पर्सनल जजमेंट इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके इसमें दो तीन क्वेश्चन आपके कवर हो चुका है, जैसे कि इसमें पूछा है कि नेचर बताओ, इम्पोर्टेंस बताइए, लिमिटेशंस बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आर फाउंडेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे ज़रूर कंप्लीट करके जाइए। उसमें मैंने 3 to 5 ईयर के प्रीवियस पेपर से एनालाइज करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाइए। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें जो भी क्वेश्चन दे उन सारे क्वेश्चन के आप अच्छे से नोट्स बनाइए। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जैसे कि ख्याति के मूल्यांकन के विभिन्न विधों को संक्षेप में समझाइए। तो ख्याति से रिलेटेड आपके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी आपका क्वेश्चन आया है कि गुडविल क्या होती है। आपका कई कई पे गुडविल आपको वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है कि डिफाइन गुडविल, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, साझेदारी फर्म का विघटन किन परिस्थितियों में हो सकता है स्पष्ट कीजिए, इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था, तो इस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें कुछ आपका टॉपिक्स दिया हुआ है तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। IFRS इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल ऑफ गार्डनर वर्सेस मुर्रे के बारे में आपको बताना है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब तो ये काफ़ी कम हो गया है, शायद ये चैप्टर ही कट गया है कि रूल्स ऑफ गार्डनर है वर्सेज मुर्रे, अब कम देखा जाता है ये। नेक्स्ट आ गया है हमारा, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि न्यूमेरिकल जरूर कंप्लीट करके जाइए, जैसे कि रॉयल्टी हो गया, हायर परचेस हो गया, तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, जो कि मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कुछ लिंक्स, एंड वहां से आप ज्वाइन होकर न्यूमेरिकल की स्ट्रेटजी पूरी अच्छे से कम्प्लीट करिए। स्टेप बाई स्टेप सारे सॉल्यूशन मैंने बताए हैं, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, पूरे पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही दिखने को मिल रहा है इसमें, एंड थ्योरी आपको बहुत कम दिख रही है, तो बहुत कम आपको अगर 60% थ्योरी रेडी करनी है तो 40% आपका न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप मैंने एकदम इजी वे में आपको न्यूमेरिकल समझाया है, तो उसे आप ज़रूर कंप्लीट करिएगा। सो वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ओके। कम वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बता दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, एंड आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको पेपर पैटर्न चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।